कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान ऋषभ देव जी के उपदेशों को जो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को दिए। देखिए, बड़े ही प्यारे पिता थे ऋषभ देव जी, जिन्होंने भगवान की राह को दिखाया अपने पुत्रों को कि कैसे भगवान ही सर्वस्व हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ असत है, और अगर इस असत में भी उनको देख लिया तो फिर ये असत जो है वो कभी भी हमें दुख नहीं देगा, क्योंकि सत का हाथ पकड़ा हुआ है हमने, है ना। इसीलिए पहले श्लोक में तो उन्होंने बता दिया साफ साफ कि देखो, ये जो नर देह तुम्हें मिला है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है कि तुम कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भागो इधर उधर और तमाम कष्ट सहो। ये नर देह मिला है तपस्या के लिए, यानी भगवान का भजन करने के लिए, ताकि तुम अनंत भगवत आनंद को प्राप्त कर सको। और कैसे मिलेगा ये अनंत भगवत आनंद? कैसे मिलेगी वो भक्ति जिस पर भगवान रीझ जाए? कैसे मिलेगी वो भक्ति जो हमें बदल दे हमेशा के लिए और भगवान का दास बना दे, जो कि हमारा नित्य स्वरूप धर्म है? तो हमारे ऋषभ देव जी ने कहा, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। कि भाई देखो, अगर तुम महत सेवा करोगे तो तुम्हारे लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। मुक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जितने भी शरीर अपने आसपास देखते हैं और अपना शरीर भी देखते हैं, तो ये क्या है? ये विभिन्न वासनाओं की ढेरी है, यानी इतनी वासनाएं हमने की, वो समस्त वासनाएं हमारे चित्त को मलिन कर गई, और उन समस्त वासनाओं से तैयार हुआ है हमारा ये वर्तमान शरीर, और भविष्य के शरीर भी हमारी वासनाएं ही तैयार करेंगी, चाहे वो कुत्ते बिल्ली की योनि मिले, चाहे कुछ और मिले, लेकिन वासनाओं से ही होगा अगले शरीर का निर्माण। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे ऊपर महत कृपा होती है, और हम अपनी दुनियावी वासनाओं से धीरे धीरे मुक्ति पाने लगते हैं, और इनकी जगह लेने लगती है भगवान को सुख पहुंचाने की वासना, है ना। तब हम अधिकारी बन जाते हैं दिव्य शरीर को प्राप्त करने के, वो शरीर जो भगवान की सेवा में लगेगा, है ना, क्योंकि वासना समाप्त हो गई, अब सिर्फ सेवा की वासना है। तो भगवान कृपा करके सेवा के लिए अनुकूल शरीर हमें प्रदान करते हैं, जिस भी भाव का भजन है उसी भाव के अनुसार। तो आप सुन रहे हैं कि ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जो मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में जिनकी अरुचि हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमें जो सिर्फ विषयों की ही चर्चा करते हैं, कभी भी उनकी जुबान पर भगवान का नाम नहीं आएगा, और चूंकि भगवान के बारे में वो कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए भगवत चर्चा उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल अनजानी चीज है, वो भगवत चर्चा नहीं करने वाले। तो जो भक्त हैं उनकी ऐसे विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में अरुचि होती है, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते उनके पास। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे उनकी बातों को। इसी तरह से स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या ऋषभ देव जी ये कह रहे हैं कि किसी को ब्याह नहीं करना चाहिए,
संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे आएंगे साधु इस संसार में, कैसे देख पाएंगे हम महत लोगों को अपने आसपास। संसार चलेगा नहीं तो सब समाप्त। नहीं, यहां यह बात नहीं कही गई है। यहां कहा गया है कि स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न जो घर हैं उनमें उनकी आसक्ति ना हो। कर्तव्य के रूप में तो ब्याह करना या औलाद पैदा करना या उनका पालन करना ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने निभाया है अपना घर बार भी, उन समस्त कर्तव्यों को भी, और साथ ही उन्होंने भगवत प्राप्ति भी की है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी को ये नहीं कहते कि जाओ तुम ब्याह करो, है ना। सबको कह देते श्रीमन महाप्रभु कि नहीं, इस कलयुग में ब्याह मत करो, सिर्फ और सिर्फ भजन करो, पर ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, संसार का जो चक्र है वो टूटे नहीं, और भगवान के भक्त इस सृष्टि में आए ताकि ये जो दुनिया पाप के कारण रसातल में जाने वाली है ये बच जाए उन भक्तों के हरिनाम संकीर्तन से। किंतु हाँ, अनासक्त होकर के विषय का भोग करना होगा, और लौकिक कार्य भी इसलिए करने होंगे, दुनियावी काम, ऑफिस जाना, कमाई करना, अनासक्त भाव से मात्र शरीर निर्वाह के लिए करने होंगे कि शरीर चलता रहे, घर बार पलता रहे, लेकिन ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये स्त्री मेरी है, और उनके प्रति जबरदस्त माया के शिकार हम हो जाएं तो बहुत बड़ी हानि है उनकी भी और हमारी भी। देखिए हमारे आचार्य कहते हैं, नरते जन्म पाई कहा की नो, उदर भरयो कूकर सूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। श्री भागवत सुनी नहीं सर्वननी, गुरु गोविंद नहीं चीनो, भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो। झूठो सुख अपनो करी जानो, परस प्रिया कै भीनो, अग कौ मेरु बढ़ाई अधम तु अंत भयो बलहीनो। लख 84 जोनि भरमी के फिरी वही मन दीनो, सूरदास भगवंत भजन बिनु ज्यो अंजलि जल छीनो। बहुत बड़ी बात कहते हैं हमारे आचार्य, देखिए कितने प्यारे आचार्य हैं, हमें चेता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि हे नर, तुमने मनुष्य जन्म पाकर किया क्या, भगवान का नाम तो लिया नहीं, बस कुकर सूकर की तरह केवल पेट भरते रहे, कानों से श्रीमद् भागवतम की कथा तो सुनी नहीं, गुरु की कृपा प्राप्त कर गोविंद को तो पहचाना नहीं, हृदय में भगवान के प्रति कोई भावना और भक्ति कुछ भी तो उत्पन्न नहीं हुई, केवल विषयों के चिंतन में ही मन लगाए रहे, प्रियतमा स्त्री के स्पर्श सुख में ही डूबे रहकर उस मिथ्या सुख को जो अंततः दुख देने वाला होने से सुख ना होकर दुख ही है, उसे तुमने आत्म सुख समझ लिया। इस प्रकार अरे अधम, तूने पाप का ढेर सुमेरु पर्वत के समान बढ़ा लिया, और अंत में तू निर्बल हो गया, निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। 84 लाख योनियों में बार बार घूमते हुए भी तू फिर उसी विषय चिंतन में लगा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का भजन किए बिना आयु इस प्रकार से नष्ट हो गई जैसे अंजलि में लिया जल, यानी जब अपनी अंजलि में जल लिया, दोनों हाथों की अंजलियों में, तो कितना भरपूर था जल, है ना, लेकिन देखते ही देखते वो रिस गया, हाथ खाली रह गया। तो इसीलिए हमारे ऋषभ देव जी ने कहा कि इस मृत्यु लोक में ये जो मनुष्य शरीर है वो दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि विषय भोग तो विष्ठा भोजी कूकर सूकर को भी मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हम अगर जानवरों को देखें तो जानवर वही चार काम कर रहे हैं जो आज मनुष्य करने में डूबा पड़ा है, आहार निद्रा भय मैथुनम चाह, ये चार चीज जो आज मनुष्य कर रहा है, और इसी चीज के लिए सारे इन्वेंशंस आविष्कार हो रहे हैं।
पशु तो ये आराम से कर रहे हैं, तो हम भी तो उन्हीं की तरह हो गए, क्योंकि हमने तो जाना ही नहीं कि भगवान कौन और उनसे हमारा संबंध क्या है, उन्हें प्राप्त कैसे करूं, क्यों प्राप्त करूं, कुछ तो जाना नहीं। इसीलिए यहां ऋषभ देव जी ने कहा कि महात्मा वो है जो भगवान के प्रेम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो कि भाई ये शरीर मिला है तो इस शरीर से पाया क्या जाए, धन पाया जाए, बहुत धन कर लिया जाए। तो आपको तो पता ही है कि धन हमारे साथ जाता नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम, हाँ वो हमारे साथ जाता है, भगवत प्रेम। और अन्य जो हम कुकर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, सब जाते हैं साथ, लेकिन ये पाप और ये पुण्य यानी शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही जीवात्मा को इस संसार में बांध देते हैं, उनका उद्धार नहीं होने पाता। अगर कोई पाप करता है तो फिर वो नीचे की योनियों में जाता है, वो नरक सहता है, वो दुख सहता है। कोई पुण्य करता है तो ऊपर के लोकों में जाता है, सुख मिलता है, दोबारा आ जाता है पुण्य समाप्त होते ही, और यहाँ फिर से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियों की मार उसको सहनी पड़ती है, है ना? तो बहुत भयंकर अवस्था है। इसीलिए हमारे ऋषभ देव जी ने कहा कि देखो, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण अशुद्ध है, तो बारंबार बारंबार इस मृत्यु लोक में शरीरों को धारण करना पड़ेगा। तो शुद्ध अंतःकरण का मतलब क्या होता है और अशुद्ध अंतःकरण का मतलब क्या होता है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे साधु कहते हैं कि कृष्ण के सुख के अलावा अन्य जितनी भी हमारे हृदय में वासनाएं हैं वो अशुद्ध वासनाएं हैं, और अगर इनकी ढेरी हो, ढेरम ढेर हो, ये राशि राशि ऐसी वासनाएं हमारे हृदय में हो, तो इसका अर्थ है कि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। और अगर सिर्फ श्री कृष्ण सुख की वासना हमारे हृदय में हो, है ना, भगवद सुख की वासना हमारे हृदय में हो और उसी के लिए हमारे सारे कार्य हों, परिवार का पालन करना, शरीर निर्वाह करने के लिए, भगवान के सुख के लिए नौकरी तक करना, तब एक भजन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस आमदनी से, उस आय से हम ना केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे ताकि भजन अच्छा हो सके, अपितु वैष्णव की सेवा के लिए वो धन काम आ सकता है, है ना, और भगवान के भजन के प्रचार के लिए वो धन काम आ सकता है, भगवान की सेवा के लिए वो धन काम आ सकता है, तीर्थों में जाने के लिए, भगवत लीला स्थलियों के दर्शन के लिए वो धन काम आ सकता है, सत्संग आयोजित करने के लिए वो धन काम आ सकता है। तो वो धन हमें आगे बढ़ा देगा भगवान के भजन में। और अगर धन को जमा करके रखेंगे और कुंडली मार करके उसके ऊपर बैठे रहेंगे तो फिर क्या होगा, अंत में सर्प की योनि प्राप्त होगी, जो कि धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा रहता है, तो बहुत भयंकर अवस्था है। गीता में भगवान ने ये बात कह दी है कि जो जिस भाव में शरीर त्यागता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता, कि जो जिस भाव में शरीर त्यागता है उसे उसी भाव की प्राप्ति होती है। तो बहुत भयंकर है सारा समीकरण, भयंकर। इसीलिए हमारे ऋषभ देव जी न केवल अपने पुत्रों को एक दिशा दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, हमें भी दिखा रहे हैं कि सावधान रहिए उन लोगों से जो कामी हैं, स्त्री संगी हैं, स्त्रियों की ही बातें करते हैं, या अगर कोई स्त्री भक्त है तो वो उनसे सावधान रहे जो पुरुषों की बातें करते रहते हैं, या ऐसे वीडियोस या ऐसे इंटरनेट साइट्स देखते रहते हैं, उनसे सावधान रहना होगा, उनसे दूरी बनानी होगी। नहीं तो हम कभी भी मनुष्य जीवन में जिस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है उस लक्ष्य को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये हमें याद रखना होगा। श्री ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि देखो, ये जो शरीर मिला है वो यहाँ वहाँ खटने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर सिर्फ और सिर्फ
भगवान के भजन के लिए मिला है, साधन करने के लिए मिला है, सिद्धि हासिल करने के लिए मिला है। याद रखिए।